सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार म्यूजिक का शौक हम सभी रखते हैं और हम सभी को चाहिए बहुत ही तगड़े वाले ईयरफोन्स, और यहाँ पे आ गए हैं ये वन प्लस की तरफ से ब्रांड न्यू वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2। काफी ज्यादा दोस्तों लगता है कि इंटरेस्टिंग मामला होने वाला है, बैटरी वैटरी बहुत सही होने वाली है, तो आप इस वीडियो को कभी लाइक और शेयर करते हुए आगे देखते रहिए। और हम बात करते हैं इन्हीं वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2 के बारे में और देखते हैं क्या कुछ वन प्लस ने पैक किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे हमारे पास में ब्रांड न्यू वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 ईयरफोन्स का ये बॉक्स टिपिकल वन प्लस रेड एंड व्हाइट स्टाइलिंग में, जहाँ पे फिलहाल हमारे पास में है इसी का मैजिको ब्लैक कलर। हम दोस्तों करते हैं इसे बॉक्स को ओपन, तो अंदर रखे हैं यहाँ पे सबसे पहले बुलेट वायरलेस Z2। काफ़ी यू नो मज़ेदार सीन होने वाला है भैया, बेस वगैरह बहुत बेहतरीन से मिल जाएगा। यार नीचे हमारे पास में ये एक सेक्शन है, सामने लिखा है कि 10 मिनट चार्ज कर लो तो 20 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, बहुत सही क्लेम है। यहाँ पर दोस्तों साथ में कुछ पेपर वर्क, फिर है रेड केबल क्लब कार्ड, ये एक छोटी सी USB A to C केबल रेड कलर में, फिर है कुछ एयर टिप्स, और यहाँ पे हम दोस्तों जैसे पेयर करते हैं तो मतलब काफी इजी आपको फास्ट पेयरिंग मिल जाती है वन प्लस फोन्स के साथ में। खैर यहाँ पे दोस्तों काफी सॉफ्ट सिलिकन का ये बना है, और अगर आपसे दोस्तों बात करता हूँ अगर मैं फिजिकल ओवरव्यू की, तो मतलब काफी लाइट वेट भी है। जहाँ पे हमारे पास दोस्तों ये दो आपको सेक्शन मिल जाते हैं, राइट साइड में है ये वन प्लस की ब्रांडिंग, लेफ्ट में हमारे पास में दोस्तों यहाँ पे ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, बीच में है यहाँ पे एक सेंटर बटन, साथ में दोस्तों है माइक्रोफोन और फिर है एक USB-C पोर्ट। वैसे यहाँ पे दोस्तों मेटल केसिंग में आते हैं और आपको कंप्लीट वो मैग्नेटिक इफेक्ट इसमें मिल जाता है। अगर यार मैं आपसे बात करता हूँ ना इन ईयरफोन्स की, तो मैंने पिछले कुछ दिनों से दोस्तों इनको यूज किया है, और मतलब एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा भैया, यहाँ पे वन प्लस ने जो चीज दी है ना, बेस इतना अच्छा मिल जाता है दोस्तों। मतलब अगर आपको बेस पसंद है तो भाई मतलब आप अगर ये यूज करेंगे तो आपको इतना अच्छा वाला बेस मिलने वाला है ना, मतलब वो इनफैक्ट हाइज और मिड्स को भी जो है वो कहीं ना कहीं दबाता है, मतलब बेस बहुत ज्यादा सॉलिड है। बिकॉज यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में है वन प्लस ने आज तक जो सबसे बड़ा साइज यूज किया है, जो कि है 12.4 mm साइज के ड्राइवर्स, तो मतलब यहाँ पर दोस्तों जो बेस का पूरा मजा है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। काफी लोग ऑल्दो प्रेफर करते हैं TWS को, लेकिन मेरे से ये नेकबैंड स्टाइल जो है वो कई बार ज्यादा कन्वीनियंट रहती है, मतलब एक तो कॉस्ट में कम है, दूसरी बात ऐसे खोने का चक्कर नहीं होता, तीसरी बात आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी मिल जाती है बिना इनको बार बार किसी डब्बे में डाले। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो बुलेट वायरलेस Z2 है मेरे ख्याल से काफ़ी सही इंप्रूवमेंट है। अगर आपसे बात करता हूँ स्पेक्स की, तो वन प्लस बोलता है कि यहाँ पर जो टोटल बैटरी लाइफ है वो है 30 घंटे की, मतलब हमारे पास में एक 200 mAh की दोस्तों बैटरी है और वो 30 घंटे तक प्लेबैक आपको दे देगी, अगर हम बात करें 50% प्लेबैक वॉल्यूम पे। लेकिन अगर आप 70-80% सुनते हैं तो भी मतलब आराम से 25-26 घंटे तो कहीं नहीं जाएगा। इनफैक्ट दोस्तों यहां पे हमारे पास में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, और अगर आप सिर्फ 10 मिनट चार्ज करते हैं तो 20 घंटे का प्लेबैक है। यार इससे ज़्यादा और लंबी बैटरी हम क्या बोल सकते हैं, मतलब इतनी फास्ट चार्जिंग जो है वो बहुत एक्सपीरियंस को सेफ बना देगी। वैसे यहाँ पर दोस्तों कोई हमारे पास में यू नो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वगैरह नहीं है, ऑल्दो वैसे यू नो वन प्लस बोलता है कि यहाँ पे अपना एक इनका एल्गोरिथम है जिसके चलते ये नॉइस कैंसलेशन वगैरह कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में जो कोडेक्स का सपोर्ट है वो है SBC और AAC, LDAC या फिर एपटेक्स वगैरह का सपोर्ट नहीं है, तो वो भी एक पॉइंट आप देख सकते हैं। कोई यहाँ पे लो लेटेंसी मोड वगैरह भी नहीं है, लेकिन बेस भैया बहुत ज़्यादा सही है, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के आप बड़े आराम से अच्छा वाला बेस इसमें एंजॉय कर पाएंगे। और मतलब अगर हम बात करें इंडियन म्यूजिक की, यू नो अगर आपको वो धूम धड़ाके वाला म्यूजिक पसंद है तो डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। हाँ वोकल्स कभी कभी जो है वो क्लैरिटी लूज कर देते हैं बिकॉज बेस ओवर पावर्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, अदरवाइज मेरे ख्याल से एज अ नॉर्मल डे टू डे यूजेज के लिए दोस्तों ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। मतलब 1999 इसकी प्राइस है, और हमारे पास में यहाँ पे ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट है, और ये है पूरी कहानी वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 की। काफी लाइट वेट भी इनफैक्ट ना इस बार यहाँ पे ये जो नेकबैंड है ना इसके अंदर जो सिलिकन है ये काफी ऐसे अच्छी क्वालिटी का कि आपको स्किन के ऊपर जो है वो बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट फील होता है, कोई ऐसा आपको इरिटेशन फील नहीं होगा, तो आप इसको लंबे समय तक पहन सकते हैं। और अच्छी बात ये होती है मैग्नेटिक नो स्टाइल की कि ये इजिली ऑन ऑफ बड़े आराम से होता है, और यहाँ पे आपको स्टैंड बाय भी मिलता है करीब करीब 80 घंटे का। कॉल्स की मतलब अगर हम बात करते हैं तो करीब 16 घंटे का यहाँ पे आप टॉक टाइम एंजॉय कर सकते हैं इन्हीं बुलेट वायरलेस Z2 के साथ में। तो यार ये
वन प्लस की तरफ से मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, यू नो, इस प्राइस को भी देखते हुए, और फीचर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। मेरे को जो सबसे अच्छा लगता है ना इसमें ऑप्शन, वो है 10 मिनट के बदले 20 घंटे का प्लेबैक। मतलब इतना फास्ट चार्ज है कि ऑन द गो बस हल्का सा किया और आपका काम बन जाएगा। इनफैक्ट 30 घंटे की बैटरी है, वो भी काफ़ी सही है, और बेस तो मतलब इतना ज़्यादा है कि अगर बेबी को बेस पसंद है तो ये वाले ईयरफोन्स ज़रूर पसंद आने वाले हैं। तो ये हैं बुलेट वायरलेस Z2 फास्टेस्ट चार्जिंग ब्लूटूथ ईयरफोन्स, बड़े कमाल है दोस्तों। आप बताइए वैसे कि आपका क्या है कहना इनके बारे में, और वन प्लस ने काफ़ी टाइम बाद लॉन्च किया है और मेरे ख्याल से काफ़ी सही लॉन्च किया है इन्हीं को, बुलेट वायरलेस Z2। तो दोस्तों बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।